हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इट्स योर कंप्यूटर क्लास एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कंप्यूटर वायरस फ्रॉम लेसन 8 ऑफ साइबर किड्स। जय हिंद छात्रों, आपकी कंप्यूटर की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 के लेसन 8 कंप्यूटर वायरस का अध्ययन करेंगे, जो कि पेज नंबर 78 पे है साइबर किड्स में। सो एवरीवन ओपन योर साइबर किड्स बुक एंड ओपन पेज नंबर 78, लेसन 8 कंप्यूटर वायरस। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग अबाउट वायरस। बच्चों, क्या आपको पता है कि वायरस होते क्या हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भला बीमारी जो होती है वायरस से होती है, इन्फ्लुएंजा जो होते हैं, सर्दी खांसी जो होती है, और भी बहुत से बीमारी होते हैं जो ह्यूमन में वायरसेस से फैलते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में भी वायरस आ जाते हैं, विषाणु आ जाते हैं, जो कि कंप्यूटर के सिस्टम को करप्ट कर देते हैं, बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो आज हम उसी वायरस, उनके सिम्टम यानी उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे कैसे वायरस होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इन्हीं सब बारों की चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द फर्स्ट पैरा। अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू हार्म और कॉज हार्म ऑन अ कंप्यूटर। इट स्प्रेड्स थ्रू ईमेल अटैचमेंट, पोर्टेबल डिवाइसेस, वेबसाइट कंटेनिंग मैलिशियस स्क्रिप्ट एंड फाइन डाउनलोड्स। अ कंप्यूटर वायरस अटैच्ड इटसेल्फ टू द होस्ट फाइल्स एंड ऑलवेज एक्टिवेट व्हेनेवर वी ओपन इन्फेक्टेड फाइल्स। द वायरस कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड देन इन्फेक्ट द अदर फाइल्स ऑन आवर कंप्यूटर, कॉजिंग मोर डैमेज। तो बच्चों, एक वायरस जो होता है कंप्यूटर का, वो प्रोग्रामर डिजाइन करते हैं किसी भी कंप्यूटर पे नुकसान पहुंचाने के लिए या उसके सिस्टम पे नुकसान पहुंचाने के लिए। ये फैलता है जब हम ईमेल अटैचमेंट में करते हैं या पोर्टेबल डिवाइसेस, पेन ड्राइव, सीडी, ये सब लगाते हैं, या वेबसाइट से जब कोई हम स्क्रिप्ट डाउनलोड करते हैं, फाइल डाउनलोड करते हैं, तो ये वायरस जो होता है इस फाइल में छिपा होता है। और जैसे ही इस फाइल को जब हम खोलते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है और हमारे दूसरे फाइलों को भी इन्फेक्टेड कर देता है, यानी प्रदूषित कर देता है, उनको भी संक्रमित कर देता है, और इस तरह से ये हमारे कंप्यूटर में डैमेज का कारण होता है। तो यहाँ पे बहुत तरह के वायरसेस होते हैं जो कि एक सिंपल मैसेज के द्वारा फैलाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक दिया है कि व्हाई डू डिफरेंट वायरस कॉज डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हार्म टू देयर होस्ट। अलग अलग वायरस अपने होस्ट को, यानी जिसमें वो जाते हैं, वो अलग अलग नुकसान क्यों करते हैं। तो देखिए दिया है, वायरलेंस और हार्म और अ वायरस इन्फ्लिक्ट्स ऑन इट्स होस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। द वे इन विच द वायरस इज ट्रांसमिटेड हैज अ लार्ज इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ वायरलेंस एंड दैट विल इन्वॉल्व। वायरसेस दैट स्प्रेड मोस्टली बाय वर्टिकल ट्रांसमिशन विल यूजली इवॉल्व लोअर लेवल्स ऑफ वायरलेशन देन दोज विच आर ट्रांसमिटेड हॉरिजेंटली। तो बच्चों, जो वर्टिकल वे यानी क्षैतिज रूप में होते हैं, मतलब खड़े होते हैं, वो लोअर लेवल के डैमेज करते हैं, यानी कम डैमेज करते हैं, लेकिन जो हॉरिजेंटली होते हैं वो बहुत डैमेज करते हैं। नाउ सी द सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, यानी कैसे आप पहचान पाओगे कि आपके सिस्टम में वायरस है। फॉलोइंग आर गिवन सम सिम्टम ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के कुछ सिम्टम लक्षण यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट है, अवर कंप्यूटर बिहेव्स स्ट्रेंजली इन द वे दैट वी हैवंट सीन बिफोर। हमारा कंप्यूटर अजीब व्यवहार करता है जिसको हमने पहले नहीं देखा कभी। कभी वो अपने आप बंद चालू होने लगेगा, कभी प्रोग्राम आप खोलोगे तो बंद हो जाएगा, इस तरह से अजीब व्यवहार करता है। और हम लोग अपने कंप्यूटर पे अनएक्सेप्टेड मैसेज और इमेजेस को देख सकते हैं, एज वेल एज वी हियर अनएक्सेप्टेड साउंड एंड प्लेड एट रैंडम। और जब कोई हम वीडियो नहीं प्ले करते तो वहाँ अचानक हमारे इच्छा के विरुद्ध कुछ आवाज़ें आ जाती हैं। प्रोग्राम्स स्टार्ट अनएक्सेप्टेडली, जिस प्रोग्राम को हम नहीं स्टार्ट करना चाहते वो भी स्टार्ट हो जाते हैं, और जो स्टार्ट करते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसे जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। और कंप्यूटर फ्रीजेस फ्रिक्वेंटली और प्रोग्राम स्टार्ट रनिंग स्लोली, हमारा कंप्यूटर बिल्कुल स्थिर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हैंग हो गया, या फिर बहुत धीमा धीमा काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो लोड ही नहीं होता जब हम कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हैं। और कभी कभी वी नोटिस दैट फाइल और फोल्डर्स हैव बीन डिलीटेड और चेंज्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फाइल फोल्डर हमने रखा है वो बदल दिया जाता है या चेंज हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी लक्षण आपके कंप्यूटर में मिले, वेन एवर यू गेट दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स यू हैव टू नो दैट योर कंप्यूटर सिस्टम इज इन्फेक्टेड बाई वायरस। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द टाइप्स ऑफ वायरस।
हियर डिटेल फर्स्ट वन इज ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन कैन इलीगली टेस्ट इंपॉर्टेंट लॉगिन डिटेल्स ऑफ यूजर ऑनलाइन. तो ट्रोजन जो होता है वो यूजर जो लॉगिन करते हैं, यानी हम जो अपनी आईडी से लॉगिन करते हैं, उसे ट्रेस कर लेता है और उससे हमारे सारे इंफॉर्मेशन निकाल कर फिर वो दूसरे जगह यूज करते हैं. ई बैंकिंग जैसे हम कर रहे हैं, इसमें बहुत मुख्य रूप से ट्रोजन हॉर्स का यूज होता है. ई बैंकिंग में वो डेटा हैक कर लेते हैं, फिर बैंक से पैसे निकाल लेते हैं. सेकेंड वन इज माइक्रोवायरस. माइक्रोवायरस जो होते हैं, दीज वायरस इन्फेक्ट द फाइल्स क्रिएटेड यूजिंग सम एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स दैट कंटेन्स माइक्रोस और सच एज डॉक्यूमेंट, PPS, XLC एंड NDB. तो ये प्रोग्राम जो होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके थ्रू आ जाते हैं और ये हमारे फाइल को करप्ट कर देते हैं. अब ये चाहे हमारे डॉक्यूमेंट DOC मतलब डॉक्यूमेंट में होते हैं, या PPS पेपर वर्क्स में होते हैं, एक्सेल्स की फाइल में होते हैं, ये सब छोटे छोटे फाइलों में जाते हैं और हमारे प्रोग्राम को, हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्टेड कर देते हैं. नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक वायरस. पॉलीमॉर्फिक वायरस इनक्रिप्ट और इनकोड देमसेल्व्स इन डिफरेंट वे एवरी टाइम दे इन्फेक्ट अ सिस्टम. पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है वो जितनी बार जितने सिस्टम में जाता है उतने अलग अलग तरीक़ों से ये सिस्टम को ऊपर इफेक्ट करता है, यानी उसे नुकसान पहुँचाता है. कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब कर देगा, तो कहीं फाइल करप्ट कर देगा, तो कहीं हैंग कर देगा, तो इस तरह से अलग अलग काम करता है. नेक्स्ट है मल्टीपार्टाइट वायरस. मल्टीपार्टाइट वायरस जो होता है ये स्प्रेड इन मल्टीपल वेज. इट इज़ फास्ट मूविंग वायरस दैट यूज्ड फाइल इन्फेक्टर्स और बूट इन्फेक्टर्स टू अटैक द बूट सेक्टर. ये बहुत तेज़ी से फैलता है. जब पूरे के पूरे 100-200 सिस्टम को हमें एक साथ हैक करना होता है, उसमें प्रॉब्लम डालनी होती है, तो मल्टीपार्टाइट वायरस का यूज होता है. और लास्ट है वॉर्म. अ वॉर्म इज अ प्रोग्राम वेरी सिमिलर टू अ वायरस. वायरम जो है वो वायरस तो नहीं होता, लेकिन वायरस के जैसा ही होता है. इसके साथ भी एबिलिटी होती है, जब इसके पास भी क्षमता होती है कि ये निगेटिव इफेक्ट डालता है हमारे सिस्टम पे, हमारे कंप्यूटर पे, लेकिन दैट कैन बी डिटेक्टेड एंड एलिमिनेटेड बाय एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. लेकिन इसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं और हटा सकते हैं. हाउ कैन अ कंप्यूटर गेट वायरस, दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, कि कंप्यूटर वायरस कैसे लगता है कंप्यूटर में. तो पहला, व्हेन वी ओपन अ फाइल दैट इज इन्फेक्टेड विद वायरस. कोई वायरस इन्फेक्टेड फाइल खोलते हैं तब कंप्यूटर में आ जाता है. या व्हेन वी इंसर्ट अ CD, पेन ड्राइव और ETC दैट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस. जब कोई इन्फेक्टेड एक्सटर्नल डिवाइस लाइक CD, पेन ड्राइव, ये सब हम यूज करते हैं जिसमें वायरस हो, तो भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है. या फिर व्हेन वी डाउनलोड समथिंग फ्रॉम इंटरनेट दैट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस. या जब कोई हम डाउनलोड करते हैं फाइल इंटरनेट से जिसमें वायरस हो, तो भी हमारा कंप्यूटर वायरस आ जाता है और हमारा कंप्यूटर जो है वायरस से ग्रसित हो जाता है. तो बच्चों, बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी सुरक्षा करें. और नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट हाउ टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, कि कैसे हम कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखें. सी हियर, यहाँ पे देखिए 3 वेज दिए गए हैं. मेक अ बैकअप ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट फाइल एंड फोल्डर्स इन कंप्यूटर. कंप्यूटर में और जितने फाइल फोल्डर हैं सबकी एक इंपॉर्टेंट बैकअप लिए रहें. ऑलवेज चेकअप द फाइल इन द कंप्यूटर दैट कम फ्रॉम एन अनोन सोर्स. अनोन सोर्स से कोई भी अनजान जगह से फाइल आती है तो उसको ज़रूर चेक करें. और ऑलवेज इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस प्रोग्राम इन द कंप्यूटर एंड अपडेट द सेम रेगुलरली. एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम जो है उसे हमेशा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल रखें और उसे अपडेट करते रहें. तो बच्चों, एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस इज अ सिक्योरिटी प्रोग्राम वी इंस्टॉल ऑन आवर कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय मालवेयर. द टर्म मालवेयर इज अ कैचअप ऑल फ्रेज बाय फॉर एनी टाइप ऑफ मैक्सिलियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन एंड स्पाईवेयर. तो एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कराते हैं सभी मालवेयर यानी सभी खतरों से दूर रखने के लिए, चाहे वो खतरा वायरस का हो, वर्म्स का हो, ट्रोजन का हो या कहीं भी हो. अगर हमारा कंप्यूटर जो है वो मालवेयर से इन्फेक्टेड हो जाता है तो साइबर अटैकर जो होते हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं, वो हमारे सारे रिकॉर्ड्स को, सारे की स्टोक को सब चुरा सकते हैं और उसे की मदद से हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं. लेकिन ये भी प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम इज दैट द एंटीवायरस कैन नो लॉन्गर कीप विथ साइबर अटैकर्स. दे आर कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग एंड रिलीजिंग न्यू टाइप्स ऑफ मॉलवेयर.
तो एंटीवायरस सभी वायरस को कैप्चर कर ले ये भी नहीं हो सक पा रहा है जल्दी, क्योंकि अटैकर जो होते हैं वो नए नए तरह के वायरस बनाते हैं। तो इसके लिए बहुत से तरह के आपके पास एंटीवायरस का भी यूज किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वायरस का यूज करेंगे आप, जैसे नॉर्टन है, इंटरनेट सिक्योरिटी है, ये सब अच्छे कंपनी के एंटीवायरस हैं। इसको लगाते हैं तो हमारा प्रोग्राम ज़्यादा सेफ़ रहता है, कंप्यूटर ज़्यादा सेफ़ रहता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट आपको बता रहा है हाउ टू स्कैन अ फाइल विथ एन एंटीवायरस, कि एंटीवायरस की फाइल अगर है तो उसको एंटीवायरस को हम कैसे स्कैन करेंगे, यानी अपने कंप्यूटर में कैसे उसकी मदद से अपने इन्फेक्टेड फाइल को पहचानेंगे और कैसे उसका यूज करेंगे। तो देखिए लिखा है गो विद दीज स्टेप टू स्कैन अ फाइल विथ एंटीवायरस। एंटीवायरस से स्कैन करने के लिए हमें निम्न स्टेप पर जाना है। सबसे पहले ओपन द फोल्डर विच कंटेंस द फाइल, राइट क्लिक ऑन द फाइल, अ ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट विल अपीयर, ओपन। सेकेंड में क्लिक ऑन क्विक हिल एंटीवायरस प्रो स्कैन। तो बच्चों जो भी आपके पास फोल्डर या फाइल है उस फाइल फोल्डर में जाएं और वहाँ क्लिक करें। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ एक मेनू आएगी और वो मेनू ये देखिए नीचे यहाँ बनी हुई है, इसी में प्रोग्राम होता है क्विक हिल एंटीवायरस प्रो स्कैन। अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आप वहाँ बस क्लिक करेंगे, द स्कैनिंग विल स्टार्ट। आपका स्कैनिंग जो है वो शुरू हो जाएगा और आफ्टर स्कैनिंग, स्कैनिंग के बाद एक मैसेज विल बी डिस्प्लेड वेदर द फाइल इज इन्फेक्टेड और नॉट एज सोन बिलो। वो दिखा देगा कि क्या आपकी फाइल इन्फेक्टेड है या नहीं है, और जितना भी अगर उसमें वायरस भी डिटेक्ट करेगा तो वो नंबर भी आपको बता देता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वॉच द वीडियो केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर क्लियरली एंड डू द एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर बाई योर ओन सेल्फ। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू।